Good afternoon and welcome back to the channel. Place Zhangjiajie. और आज हम जा रहे हैं जो पीछे माउंटेन्स देख रहे हो उनके तरफ Tianmen Mountain. अगर इसको हम ट्रांसलेट करें चाइनीज टू इंग्लिश इसका मतलब होगा द गेटवे टू हेवन. तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा. ये इधर एक लिंक शो हो रही होगी, इस लिंक को मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और ये वाली वीडियो देखो पहले, और इसके बाद आप इस वाली वीडियो को ढंग से समझ पाओगे. तो आज मैं कवर करने वाला हूँ दो चीज़ें. सबसे पहली तो दुनिया की सबसे लंबी केबल कार, यस, Tianmen Mountain से Zhangjiajie, जिसकी टोटल लेंथ है 7 किलोमीटर्स. ये जा रही है और ये केबल कार जाती है Zhangjiajie से ऊपर माउंटेन तक. यस, जो आप पीछे केबल कार देख रहे हो इसी को यूज़ करने वाला हूँ मैं अभी. और उस माउंटेन के ऊपर और क्या खास बात है, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो 9th century AD में बना था. टिकट आपको Zhangjiajie से ही मिल जाएगी. एक साइड आप बस से जाओगे और एक साइड आप केबल कार से जाओगे. वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हो. थैंक यू. ओके भाई, अभी वाला स्लॉट है. सबसे पहली बात, चाइना के लोगों ने आपकी जेब खाली करवाने के हर तरीके निकाले हुए हैं. तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से ऊपर जाओ केबल कार से और वापस आओ बस से. दूसरी ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से जाओ बस से और नीचे आओ केबल कार से. और तीसरी ऑप्शन है भाई, जाओ भी बस से और आओ भी बस से. लेकिन इन तीनों में जो प्राइस है वो सेम पे करना पड़ेगा आपको. शेषा 235 युआन यानी 2350 रुपये. और बाकी आप चाइना में कहीं पर भी चले जाओ आपको लोकल टूरिस्ट हर जगह मिलेंगे. इतने लोकल टूरिस्ट ज़िंदगी में मैंने किसी भी कंट्री में नहीं देखे हैं जितने चाइना में आपको मिलेंगे. Tianmen Mountain पर लिमिट है डेली लोगों की, 49,000 को ही टिकट मिलेगी. और ऑलरेडी लगभग जो सीट्स हैं या फिर लगभग जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं. जिस दिन आपको राइड करनी है उस दिन की टिकट आपको उसी दिन मिलेगी. तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टिकट काउंटर पर पहुँच जाना. टिकट काउंटर लगभग 7 से 8 बजे के बीच में खुल जाते हैं. अभी अंदर आए हुए लगभग हमें 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे से बस हम लाइनें बदल रहे हैं और कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई है. अभी मैं दुनिया की सबसे लंबी केबल कार के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ. भाई कह रहा है अब नीचे जा रहा है और फिर वापस से हाइट लेगा.
एक ही बात बोलूंगा, अल्टीमेट। झांजियाजी सिटी, उधर झांजियाजी का एयरपोर्ट। सबसे खतरनाक स्ट्रेस पता है मुझे कौन सा लगा है? वहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद नीचे गए हैं, और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया, और फिर यहाँ से लेकर नीचे, उधर नीचे से लेकर यहाँ तक बीच में एक भी पिलर नहीं है, और हाइट यहाँ पर तगड़ी गेन करता है। ये एक फ्रेंच कंपनी ने बनाया इसे, और इन पहाड़ों के बीच से भी यहाँ पर 4-lane हाईवे निकले हुए हैं। वो नीचे आपको रोड दिख रहे हैं ना, ये सारा 4-lane हाईवे है, और इधर रह जाता है जो यहाँ का सबसे फेमस रोड है, उसे बोलते हैं 99 आर्क रोड, 99 टर्न है इस रोड पर। और भाई आगे आ गया ग्लास ब्रिज, और भैंस की हाँ, यहाँ पर बस एक ही चीज़ की कमी खलती है, काश वो होती, लेकिन अगली ट्रिप से यस वी आर बाइंग अ न्यू ड्रोन, जल्दी और चीज़ें अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। और भाई अभी हम ग्लास ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, भीड़ देखिए आप मेरे पीछे, और एक तरफ ये व्यू, ग्लास ब्रिज के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, 5 युआन। मैंने एक तो वीडियो में देखा था, चाइनीज लोग है ना डरने लग जाते हैं, और वो दूर दूर भागते हैं ग्लास ब्रिज से। हेलो हेलो, देखो देखो बटर तो लग रहा है, सच में मजाक की बात नहीं कि So, इस तरीके से चाइना के अंदर पैसे कमाने के लिए अलग अलग चीजें बना रखी हैं। जो चाइनीज लोगों का रिएक्शन होता है ना, वो देखने वाला होता है यार। बड़े मस्त लोग लगते हैं मेरे को एकदम। कहीं पर भी लड़ना चालू कर देंगे, कहीं पर भी कुछ, एक अलग माहौल मिलेगा आपको चाइना में, जो अभी तक मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिला था। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। कैसी लग रही है जगह? और ये है यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज। नहीं, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। Tianmen Mountain Temple. Tianmen Shah Temple of Buddha. इस टेम्पल का कंप्लीशन 849 AD में हुआ था, और उसके बाद लगभग यहाँ पर प्रे व्रे सब कुछ होता था, लेकिन 1949 से पहले वॉर के टाइम पर, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के टाइम पर, यहाँ पर लड़ाई के कारण इस टेम्पल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था, और फिर 1949 के बाद जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन दोबारा किया गया।
लोगों के हिसाब से बुद्धा का जो रेलिक यानी क्या बोलते हैं अपन, अस्थियों में से एक अस्थि का पार्ट इस टेंपल में भी पाया जाता है अकॉर्डिंग टू पीपल, आई एम नॉट श्योर। ये देखो यहाँ पर स्वास्तिका उल्टा बना हुआ है, उस टेंपल के अंदर स्वास्तिका सीधा बना हुआ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उल्टा स्वास्तिका क्या रिप्रेजेंट करता है, सीधा स्वास्तिका तो चलो हो गया कि सीधा है, लेकिन उल्टे का मतलब क्या है, नो आइडिया। ये तिब्बतीन में है चाइनीज में है? जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये वाला जो आर्क बीच में जगह बनी हुई है, इसे ही बोलते हैं गेट ऑफ हेवन। बेसिकली मेरा मन था उधर जाने का, लेकिन रास्ता बंद है अभी तो वहां नहीं जा सकते। ये देखिए वो वाला जो होल बना हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, द गेट ऑफ हेवन। और नीचे रह गया 99 आर्क रोड, तो नीचे से लेकर ऊपर तक इस रोड में टोटल 99 टर्न है जो आपको दिख भी रहे होंगे। सारे तो नहीं दिख रहे होंगे लेकिन लमसम थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा आपको। बस अब मेरा लास्ट पॉइंट बच गया है और वो है द गेट ऑफ हेवन। और यहाँ से नीचे जाने के लिए हमें एस्केलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, यानी टिकट दोबारा दिखानी पड़ेगी। हेलो, तो ये एस्केलेटर है आपका, आपको ऊपर से नीचे आने के लिए ये एस्केलेटर लेना पड़ेगा। भाई टोटल 7 एस्केलेटर क्रॉस किए हैं। यार ये बीच में कांच लगा रखा है, ढंग से दिख नहीं रहा है, लेकिन यही है गेट ऑफ हेवन। तो जो आपने रेंज रोवर वाली वीडियो देखी थी उसमें रेंज रोवर यहां तक चढ़ती है। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ से आप एस्केलेटर लो, आप फील करोगे कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, लाइक आई एम डूइंग समथिंग। और जो पीछे आप देख रहे हो वही है द गेट ऑफ हेवन। एक हिसाब से नाम सही रखा है, इतनी ऊपर आने के बाद बंदा थक जाएगा तो उसे लगेगा कि हाँ भाई फाइनली मैंने स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ ली है। तो चाइना के अंदर आप स्वर्ग देख सकते हो, सिर्फ आपको 999 सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसके बाद स्वर्ग आपके दरवाजे पर होगा। यहाँ से उतरने में इंसानों को दिक्कत हो रही है, गाड़ी कैसे चढ़ी होगी भाई यहाँ पे। मे बी आपको गोप्रो की इसमें वो एंगल ढंग से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये सीढ़ियों की जगह है, अगर सीधा रोड भी होता ना तो भी मेरी हिम्मत नहीं होती यहाँ पर गाड़ी चलाने की। पावर तो है गाड़ी में, और गाड़ी से ज़्यादा पावर है जिस बंदे ने उस रेंज रोवर को ड्राइव किया था। यार मेरी तो फटके चार हो जाए भाई ये देख की, क्योंकि अगर आपसे माइक्रो सेकंड में भी गलती हो गई और एक बार गाड़ी का थोड़ा सा भी मोमेंटम बिगड़ा या फिर इधर उधर हुई, आप गए बेटा, आपके पास बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, आपको वो ढंग से समझ आएगा कि भाई हाँ कैसा सीन है यहाँ पर। तो मैं मेरे नाना और नानी को जाके बताऊँगा कि चाइना में मैंने स्वर्ग का रास्ता
ढूंढ लिया है। बाकी हर कल्चर में स्वर्ग के रास्ते में सीढ़ियाँ क्यों होती हैं? सीधा क्यों नहीं हो सकता यार? हर जगह पर सीढ़ियाँ, चाहे क्रिश्चियनिटी में ले लो, चाहे हिंदी में ले लो स्वर्ग की सीढ़ियाँ, चाहे बुद्धिज्म में ले लो, हर रिलीजन में स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियाँ। समुराई जैक में भी तो आते थे ना स्वर्ग की सीढ़ियाँ। और ये पहुंच गया मैं नीचे बस स्टैंड पर, ये बस सिटी में उतार देंगी। और अब ये लाइन लगी हुई है बस के अंदर जाने की। सीढ़ी में आ गया हूं नीचे, इतना बड़ा होल है नीचे से आराम से दिख जाता होगा। सबसे पहले किसी ने देखा होगा, उसके बाद किसी ने हिम्मत की होगी कि भाई ना मुझे तो यहाँ जाना है। कोई रास्ते में मर गया होगा, कोई वहाँ तक पहुँचा होगा और फिर किसी ने अपना दिमाग लगाया होगा कि अरे नहीं भाई ये क्या पता स्वर्ग का रास्ता हो। तो एक चीज़ बनने में और उसके पीछे माइथोलॉजी बनने में भाई। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, कल मैं जा रहा हूँ चंगदू। पहले प्लान था कि हिच हाइकिंग करके जाऊँ, लेकिन अभी चंगदू यहाँ से 900 किलोमीटर है और आज ऑलरेडी 23 तारीख हो चुकी है, 26 को सुबह सुबह मेरी फ्लाइट है, तो हिच हाइकिंग वाला रिस्क नहीं ले सकता यार। तो बस गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।